अध्यक्ष महाजय भारद्वाज, आज आपको सेब के बगीचे के बारे में बताऊंगा। सेब की खेती कैसे की जाती है, सेब का बाग कैसे लगा सकते हैं, सेब से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। कब कब लगाई जाती है, किस मौसम में फूल आते हैं, किस मौसम में पक के तैयार होती है, और सेब किन्नौरी सेब के बारे में आप पूरी जानकारी दूंगा। आज हम आए हुए हैं किन्नौर में संगला में, और यहाँ पे मैं मेरे पीछे जो पेड़ है सेब का पेड़ है किन्नौरी सेब, जो कि विश्व में मशहूर है किन्नौरी सेब, वो आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में सेब लगी हुई हैं। इस पेड़ की उम्र लगभग 15 से 20 साल होगी और ये पूरी तरह से लबालब सेबों से भरा हुआ है, पत्ते कम सेब ज़्यादा, और ये क्षेत्र में है। इससे सेब के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको संगला में पहाड़ों की चोटियों का नज़ारा कराना चाहूँगा, और उसके बारे में बाद आपको सेब की पूरी जानकारी दूंगा। अभी ये आप देखिएगा जो ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं सामने, जो ये पहाड़ियाँ हैं ये मध्य हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे पहाड़ियों पे बर्फ़ जमी हुई है, ग्लेशियर है यहाँ पे ये ऊपर की तरफ, और ये इस तरह से घूमते हुए नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, पहाड़ियों पे जो सफ़ेद रंग है ये बर्फ़ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये है हम संगला किन्नौर, पहाड़ियों पे बादलों से ऊंचे पहाड़, बादल पहाड़ों से नीचे हैं आप देख सकते हैं, और ये चोटियों पे बर्फ़ जमी हुई है। और अब मैं आपको किन्नर कैलाश के थर्ड पार्ट को दिखाऊंगा, किन्नर कैलाश चोटी का बैक साइड। ये चोटी जो आप देख रहे हैं ये किन्नर कैलाश का थर्ड पार्ट है, किन्नर कैलाश चोटी का बिहाइंड वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा है, और ये धूप हो गई है और ये बर्फ़ कम दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, मैंने जूम करके दिखाया है। चोटी पे जो सफ़ेद रंग है ये ग्लेशियर है किन्नर कैलाश का, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये प्रकृति के नज़ारे आप देखें किन्नौर में। यहाँ पे हम संगला में आए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको सेब की खेती के बारे में जानकारी दूंगा, और ये आप जो चोटी आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे ये बादल दिखाई दे रहा है वी आकार के अंदर, यहाँ पे रिकोंग पियो चोटी है, किन्नौर का हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं आप इसे, रिकोंग पियो, लोकल लोग इसे पियो के नाम से पुकारते हैं, और ये दिखाई दे रही है, देखना ये मैंने जूम किया है, अब ये चोटी के ऊपर जो वाइट रंग का है बादलों के पास में, ये ग्लेशियर जमा हुआ है, बर्फ़ जमी हुई है इस पर, आप देख सकते हैं, ये रिकोंग पियो चोटी, रिकोंग पियो हिल आप देख सकते हैं, और इससे आगे ये पहाड़ है जिसपे हरी भरी हरियाली है, और ऊपर वाले हिस्से पे बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है संगला का नज़ारा, और यहाँ पे अब ये पेड़ है सेब का पेड़ आप देख सकते हैं। सेब की खेती कैसे की जाती है अब आपको मैं इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं इसकी उम्र होगी 8 से 10 साल। आजकल सेब के पेड़ हैं जो कलम से तैयार किए जाते हैं और 3 साल में ही सेब लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अच्छी तरह से सेब सिर्फ 10 साल का पेड़ होने पे ही देता है। और अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेब है गोल्डन एप्पल, ग्रीन एप्पल जिसे बोलते हैं, ये ग्रीन एप्पल का पेड़ है और लबालब सेब से भरा हुआ है आप देख सकते हैं। और अब मैं दिखा रहा हूँ ये पेड़ जो बिल्कुल 20 से 25 साल उम्र होगी जिसकी, और बिल्कुल सेब से लबालब है, काफ़ी अच्छा किन्नौरी सेब है, इस पे रॉयल किन्नौरी बोलते हैं जिसको, वो ये एप्पल है। इस एप्पल के अंदर जूस बहुत ज़्यादा होता है आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे साथ के साथ बंद गोभी की खेती भी की जा रही है आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा पेड़ किस टाइम में लगाने चाहिए, और जो सेब है बिल्कुल पक्के तैयार हो गई है आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा दिया मैंने आपको,
पेड़ को चारों तरफ से दिखा रहा हूँ मैं आपको। यह किन्नौरी एप्पल, रॉयल किन्नौरी, और ये साथ में गेंदे के फूल लगे हुए हैं, और जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वो ये है। अब मैं सेब को बिल्कुल आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये है एप्पल, किन्नौरी एप्पल, जिसे आप किन्नौरी सेब बोलते हैं वो ये है। और ये साथ में पेड़ पौधे, उधर फिर एप्पल का पेड़, उधर वो छोटा एप्पल का पेड़, वहाँ पे फिर एप्पल का पेड़। आपको दिखाता हूँ जूम करके। और ये पेड़ काफ़ी सेब से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पे सेब हैं। नीचे तक डंडों के सारे रोके हुए हैं, कहीं टहनियाँ ना टूट जाएं, फलों से इतने लबालब भरे हुए हैं। अब इसके बाद में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पेड़ कब लगाएं, कब किस चीज़ का स्प्रे करना होता है सेब के पेड़ पे, कब फूल आते हैं, कब फल तैयार हो जाते हैं, कब तोड़े जाते हैं, तोड़ने के बाद पैकिंग कैसे की जाती है, कैसे सेब को ब्रश करके उसके बाद में स्टोर में कैसे भेजा जाता है, वो पूरी जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने आपको यहाँ के नज़ारे दिखाना अच्छा समझा, और ये सेब का पेड़ है।